सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को, और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से हम लोग हार्ड डिस्क को पैक करते हैं, किस तरह से उसको प्रिजर्व करेंगे ताकि वो न तो फिजिकल डैमेज हो, न ही उसका किसी तरह का डाटा डिस्ट्रॉय हो। तो इसके लिए आज की इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और जानिए कि किस तरह से हम लोग इसे हार्ड डिस्क को पैक करते हैं ताकि उसका डाटा न तो फिजिकली डैमेज हो और न ही उसके अंदर का जो भी डाटा है वो डिलीट हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में ये एक इंटरनल हार्ड डिस्क है, ये एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। और सपोज़ कीजिए कि इसे हमें FSL भेजना है इसके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसे किस तरह से पैक किया जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि इंटरनल हार्ड डिस्क जो है, इसका सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इसे किस तरह से हम पैक करें कि इसमें जो डाटा है, इसमें जो एविडेंस है वो सिक्योर्ड रहे, वो वाइप नहीं हो। इसके लिए हमें इसे पैक करना होता है एक फेराडे बैग में। फेराडे बैग में पैक करने पे क्या होता है कि इसमें जो भी डाटा है, यदि ये हार्ड डिस्क किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाती है तो वहाँ पे ये डाटा जो है इसका वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा यदि ये फेराडे बैग में पैक होगा तो। लेकिन यहाँ एक इशू ये है कि फेराडे बैग की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। फेराडे बैग की कीमत लगभग 2,500 से 3,000 रुपये या कभी उससे भी ज़्यादा होती है, और वो मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होती है आमतौर पे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको दिखलाता हूँ। एक ये पॉली बैग है, ये पॉली बैग जो है ये हम लोगों को जब भी हम लोग नया हार्ड डिस्क इस तरह का ख़रीदते हैं तो ये हार्ड डिस्क जो है इसी में पैक करके हमें मिलता है। इस तरह से ये पैक करके हम लोगों को दिया जाता है। ये कंपनी के द्वारा चूँकि हम लोगों को इसी में पैक करके दिया जाता है, और ये बिल्कुल फेराडे बैग की तरह काम करता है। अगर आपके पास फेराडे बैग नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको फ्री में किसी भी कंप्यूटर के दुकान पे फेंका हुआ मिल जाता है, उसके डस्टबिन में आपको ये मिल सकता है। तो इस तरह के बैग में आप इसे पैक कर सकते हैं। इसे पैक करने के बाद आपका ये जो एग्जिबिट है वो बिल्कुल सिक्योर्ड हो गया। अब ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि जाता है तो इससे डाटा वाइप होने का, इसका डाटा डिस्ट्रॉय होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से हम बाहरी जो डैमेज ये कर सकता है, इसका डाटा जो डैमेज हो सकता है, इससे हम ये बैग में डालकर इसे सुरक्षित कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे किस तरह से हम पैक करेंगे कि इसका फिजिकल डैमेज ना हो। इसके लिए मैं आपको एक ये बॉक्स दिखलाता हूँ। ये भी बॉक्स है, प्लास्टिक का ये बॉक्स है। इसी बॉक्स में इस तरह के जो हार्ड डिस्क होते हैं, जब नया आप ख़रीदेंगे हार्ड डिस्क तो इसी तरह के बॉक्स में ये पैक करके हम लोगों को न्यू मिलता है। इस तरह से ये पैक करके हम लोगों को ये मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह का डब्बा है, और ये डब्बा इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है ताकि यदि कंपनी के द्वारा इस तरह से इसे साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है ताकि यदि इसमें पैक करने के बाद ये ऊंचाई से गिर भी जाए या इसके ऊपर कुछ वजनी चीज़ भी गिर जाए तो इसका जो हार्ड डिस्क फिजिकली डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसे पैक कर सकते हैं। पैक करने के बाद इसे आपको चाहिए कि हम लोग आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि आयुष क्या करते हैं कि इसे जब पैक करते हैं उसके बाद जब डब्बा में रखने की बात होती है ऊपर से, तो प्लास्टिक का डब्बा या कागज़ का डब्बा इस्तेमाल करते हैं, जो एकदम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके जगह पे आपको लकड़ी का या फिर टीन का डब्बा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको दिखलाता हूँ, आप ये देख सकते हैं, इस तरह का टीन का डब्बा होता है जो आप आसानी से आपको मार्केट में मिल भी जाता है, और यदि नहीं मिलता है तो इसे आपको बनवा लेना चाहिए, ये बन भी जाता है। ऐसा डब्बा बनाकर इसमें आपको चाहिए कि अपने हार्ड डिस्क को रखें, और रख कर इसे आप पैक करें तो इसका जो फिज़िकल डैमेज है वो नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम जानते हैं कि कई तरह से एग्जिबिट आते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो डैमेज होने का चांस होता है। तो इस तरह के डब्बे में यदि आप देंगे
तो ये सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, यदि आप प्लास्टिक के डब्बे में या लकड़ी या कागज़ के डब्बे में आप कोई एग्जिबिट FSL में जाकर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में यदि जमा करते हैं तो हो सकता है कि लैब में वो एक्सेप्ट भी न किया जाए, क्योंकि आमतौर पर FSL में प्लास्टिक के डब्बे में या फिर कागज़ के डब्बे में एग्जिबिट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह के डब्बे में इसे आप पैक करें। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि इसे खोलना है और इसके साइज़ के अनुसार आपको इसमें पैक करना है। पैक करने के बाद इस तरह से इसमें डालना है और डालकर इसे आप अपने साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसे, ताकि इसमें अच्छे से स्मूथली आ जाए। और इस तरह से इसको आप इसमें डालेंगे और डालकर पैक करेंगे। तो इस तरह से ये आपका आ गया। अब इसे आप यदि पैक कर देते हैं तो ये यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। ये तो हुई बात हमारी हार्ड डिस्क की, जो इंटरनल हार्ड डिस्क है इसे हम कैसे पैक करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की, इसे हम कैसे पैक करेंगे ताकि ये बिल्कुल सिक्योर रहे, इसका डाटा वाइप नहीं हो और ये हम बड़े ही आसानी से FSL में सुरक्षित पहुंचा सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आप इस तरह का जो मैंने यहाँ पे इसमें लगाया था एक प्लास्टिक का बैग, वो इसमें आपको नहीं लगाना है। इसमें इसमें जो ये वाली बैग है, मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ये जो USB हार्ड डिस्क है इसमें इस तरह की रैपर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर कंपनी के द्वारा ही इस तरह का रैपर हार्ड डिस्क के ऊपर लगाकर इसे ऊपर से पैक किया जाता है। तो इसलिए इसमें इस तरह के रैपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे क्या करना है आपको कि कंपनी के द्वारा जब आप नया हार्ड डिस्क खरीदते हैं तो इस तरह का उसमें जो है रैपर होता है। ये जो बैग है इसे बबल बैग बोलते हैं हम लोग। इसमें आप इसे ऐसे डाल दें और डालने के बाद इसे भी आप यहाँ पे ऐसे पैक कर दें और इसे यहाँ पे इस तरह से डाल दें। इसे भी आप कभी भी वुडेन या फिर टीन के ही डब्बे में आपको इसे पैक करना है। इसे आप प्लास्टिक के या कागज़ के डब्बे में कभी पैक ना करें। तो इस तरह से आप हार्ड डिस्क को बड़े ही आसानी से पैक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग और सिक्योर तरीके से अपने एग्जिबिट को FSL पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि आपका जो वैल्यूएबल डिजिटल एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपका कोई क्वायरी या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।